ओ हिल रहा है। मैं हूँ इस नैया का खिवैया। ओए स्कूटर आ गया स्कूटर। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं केमानू ब्रिज। यहाँ की रोड बहुत ही पतली है जो कि एक कार की चौड़ाई के बराबर होगी, और अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो आपको या तो बहुत पीछे जाना पड़ता है या गाड़ी को जगह देकर कच्चे में उतारना पड़ता है। इसलिए बेटर टू व्हीलर से यहाँ पर आए। कायाकिंग सर्विस केमानू ब्रिज के पास कायाकिंग सर्विस है। वाओ, एंट्री केमानू ब्रिज की, हैंगिंग ब्रिज है ये। ओ हिल रहा है। वीकेंड होने की वजह से हमें रश ज़्यादा मिला। जब आप इस ब्रिज पर वॉक करते हैं तो इसकी दोनों साइड के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत अद्भुत हैं। आपको नीचे जो है पर्यटक बोट चलाते हुए दिखेंगे जिसको कायाकिंग कहते हैं, और दोनों साइड में कोकोनट ट्रीज और रिवर का वाटर बहुत ही दिल को खुश कर देने वाला है। इसको आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जो कि आगे जाके सी में मिक्स हो जाती है, मैं कहूँगा कि मर्ज हो जाती है, और वहाँ पर भी जाके एक बीच बनता है, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। मगर ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और यहाँ देखो कायाकिंग हो रही है, 50 रुपये पर पर्सन। मैं जाके करूँगा। ब्रिज के दोनों साइड में आपको कुछ चाट्स जैसे कि फ्रूट्स की चाट और कुछ कोला सोडा वगैरह अवेलेबल है। तो अब हम कर रहे हैं कायाकिंग। मैं हूँ इनका कैप्टन, और ये देखो कैसे हमारी कायाकिंग चल रही है। शाबाश सोल्जर। हाँ हाँ शाबाश। देखिए मास्टर आहान जो है कायकिंग कर रहे हैं और मैं उनके पीछे बैठा हुआ हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ इस नैया का खिवैया। नॉन वन। ओए स्कूटर आ गया स्कूटर। इनको जरूरत क्या है स्कूटर को? स्कूटर आ गया हटो। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, साँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी है। बाय 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 मास्टर। केमानू ब्रिज के विजिट के बाद हम लोग गए वुडलैंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। मैंने सुना यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है वेजिटेरियन में, और मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ का फेमस होटल है, उसका नाम है वुडलैंड, और अभी हाफ एन आवर की वेटिंग है, अभी हम वेट कर रहे हैं टेबल को फ्री होने। ये सारू है। सारू हाँ खुली।
व्हाट इज दिस हुड़ी हुड़ी बोलते हैं हुड़ी इमली इमली का है इमली दाल हां हरी मिर्ची हिंग ओके ओके और ये सांभर जैसा है और मसाला हुड़ी बोलते हैं ओके और दाल है हां और पल्लिया पल्लिया मतलब सूखा भाजी ओके ओके नो अनियन नो गार्लिक एनीथिंग ओके रुपी 100% टेस्ट कर लीजिए आपको मालूम पड़ता है ओके थैंक यू सर सुपर बहुत गुड ये एवरेज है बट जो रूपी का ऑथेंटिक फूड है जो मैंने अभी खाया और मुझे जो बताया गया मुझे इनके सारे फूड बहुत ही बहुत अच्छे लगे कंपैरिजन में जो हम कंपैरिजन में जो हम बेंगलोर में खाते हैं ना वो उडुपी नहीं है एक्चुअली ये उडुपी है उडुपी की फेमस आइसक्रीम गरबर इसको खाएंगे देखेंगे कैसा लगा और फीडबैक देंगे बाद में अभी हम आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं इसमें ना बहुत सारे फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स और तरह तरह के आइसक्रीम के फ्लेवर्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छा खा के एंजॉय करें जब भी आप उडुपी आएँ तो उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसका टेस्ट का आनंद आप खा के ही ले सकते हैं ओवरऑल मुझे यहाँ का टेस्ट बहुत पसंद आया आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप उडुपी घूमने आए हैं तो यहाँ पर खाएँ ज़रूर खाएँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें थैंक यू मैं हूँ ब्रेकफास्ट वुडलैंड के ही रेस्टोरेंट पर और यहाँ इसके लिए भी वेटिंग लगी हुई है